हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत औसम सा वीडियो लाई हूँ, लेकिन वो इंग्लिश का है। करंट अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर्स आज का कल कर लेंगे। तो वी विल गिव यू सेशन, करंट अफेयर सेशन टुमारो, टुडेज एंड टुमारोज बोथ वंस, यानी दोनों का एक। लेकिन आज हम इंग्लिश का बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स मी बुशरा। दो काम आपको अपने बेनिफिट के लिए करने होंगे। प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए। एक तो आप QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट मिले, कंप्लीट कंटेंट मिले, जितना बना है वो अभी तक, और जो डेली अपडेट्स हैं वो भी मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकन को हिट कर लें। दूसरा, चाहे जो हो जाए लेकिन कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। ध्यान से लास्ट तक सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और हर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और अच्छे कमेंट्स भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ग्रामर्स बहुत पढ़ाई, मैंने आपको ग्रामर के अलावा मैंने आपको वोकैब भी बहुत पढ़ाई है। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब तक आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन स्टोरीज़ नहीं करवाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि आप लोग एक्सपर्ट हो पाएंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करवाऊंगी। आई विल गिव यू हिंदी ट्रांसलेशन आल्सो ऑफ वन इंग्लिश स्टोरी, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि मैं पढ़ती जाऊंगी और साथ ही ट्रांसलेट भी करती जाऊंगी, है ना। VI होने का मतलब ये नहीं कि टैलेंट ना हो भाई। इंग्लिश में स्टोरी मैंने क्रिएट की है, वो मैं पढ़ती भी जाऊँगी, साथ ही उसका ट्रांसलेशन भी आपको बताती जाऊंगी। मतलब पढ़ने का मतलब माइंड में मेरे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज जो टाइटल है, इंग्लिश स्टोरी टाइटल, वो क्या है? वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब इसका ट्रांसलेशन सुनिए, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? म्यूचुअल मतलब होता है आपसी, आपसी समझ, आपसी समझ या आपसी समझ बूझ, इसका मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ या आपसी समझ बूझ, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। ओके, वन डे अ गुरु डिसाइडेड, एक दिन एक गुरु को, गुरु ही कहा है मैंने, एक दिन एक गुरु ने ये तय किया टू गिव टेस्ट हिज डिसाइपल्स, यानी कि उन्हें अपने शिष्यों को एक टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट परीक्षा को भी कहते हैं और सीख को भी कहते हैं। तो वन डे अ गुरु डिसाइडेड टू गिव द टेस्ट हिज डिसाइपल्स, डिसाइपल्स यानी शिष्य, डिसाइपल्स माने शिष्य। उन्होंने एक दिन ये तय किया कि अपने शिष्यों को एक टेस्ट देना चाहिए, यानी एक सीख देनी चाहिए यहाँ पर ये। सो ही कॉल्ड देम, सो ही कॉल्ड देम, तो उन्होंने उन्हें बुलाया। ही कॉल्ड ओनली 20 डिसाइपल्स, यानी उन्होंने सिर्फ अपने, ही कॉल्ड हिज 20 डिसाइपल्स, यानी उन्होंने अपने 20 शिष्यों को बुलाया। ओके, दे केम सो गुरु डिवाइडेड टोटल स्टूडेंट्स इन टू ग्रुप्स। जब वो आ गए, क्या है, देन क्या है यहाँ, वेन दे केम्स, यानी वेन दे केम, जब वो आए, सो गुरु डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, ईच 10 ईच बॉयज़, क्या कहेंगे, 10 ईच बॉयज़, यानी 20 शिष्यों को बुलाया था। और अब उन्होंने क्या किया कि जब वो आ गए तो उनको दो ग्रुप, टू वाले ही दो है, तो उन्होंने दो ग्रुप में, उन्हें दो ग्रुप्स में उन्हें तकसीम किया, डिवाइड किया, क्या, 10 ईच बॉयज़, यानी 10 लड़कों का एक ग्रुप, समझ में आया। वन डे अ गुरु डिसाइडेड
टू गिव द टेस्ट हिज डिसाइपल्स सो ही कॉल्ड देम ही कॉल्ड ओनली 20 डिसाइपल्स व्हेन दे केम सो गुरु डिवाइडेड हिज डिसाइपल्स इन टू ग्रुप्स 10 बॉयज ईच क्या एक कितने लड़कों का एक ग्रुप 10 लड़कों का ठीक है इतना तो समझ में आ गया। अब आगे सुनिए ईच माने क्या होता है हर होता है यानी दो ग्रुप बन गए हर एक ग्रुप में 10-10 लड़के 20 डिसाइपल्स को बुलाया था ना। अब ही सर्व देम ही माने वे भी होता है उन्होंने ही सर्व क्या है ही सर्व एक मिनट दोबारा एक थोड़ा सा सुन लीजिए मैंने आपको बताया था वन डे अ गुरु डिसाइडेड टू गिव द टेस्ट हिज डिसाइपल्स सो ही कॉल्ड देम ही कॉल्ड हिज 20 डिसाइपल्स। यहाँ पे एक वर्ड मैंने छोड़ दिया था जो मैंने सोचा था कि उन्होंने अपने 20 शिष्यों को बुलाया और किस लिए फॉर हैविंग द मील्स ये भूल गई मैं बताना आपको फॉर हैविंग द मील यानी खाने के लिए मील कहते हैं खाने के लिए फॉर हैविंग द खाना खाने के लिए उन्होंने एक दिन गुरु ने क्या डिसाइड किया कि एक टेस्ट देना चाहिए उन्होंने अपने शिष्यों का उन्होंने इसलिए 20 स्टूडेंट्स को बुलाया किस लिए फॉर हैविंग द मील खाने के लिए ही डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स 10 ईच बॉयज़ यानी उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया हर एक ग्रुप जो है 10 लड़कों का बनाया। और अब सुनिए ही सर्व्ड देम उन्होंने उन्हें सर्व किया क्या ही सर्व्ड देम फूड उन्होंने उन्हें खाना सर्व किया बट बिफोर द ईटिंग ही केप्ट अ कंडीशन फॉर अ हैव द मील यानी खाने से पहले उन्होंने एक शर्त रखी खाने की क्या खाने से पहले ही सर्व देम फूड उन्होंने उन्हें खाना सर्व किया बट लेकिन बिफोर द ईटिंग यानी खाने से पहले ही केप्ट अ कंडीशन मतलब यहाँ शर्त उन्होंने एक कंडीशन रखी फॉर हैव द मील यानी खाना खाने के लिए क्या कंडीशन रखी विदाउट बेंडिंग देयर एल्बो यानी बिना अपनी कोहनियों को मोड़े हुए देयर मतलब यहाँ उनकी अपनी यहाँ बच्चों के लिए आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए तो बिना अपनी कोहनियों को विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज दे वुड हैव टू ईट यानी उन्हें खाना खाना होगा दे वुड हैव टू ईट विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज माने कोहनी जॉइंट बिना कोहनी को मोड़े कोई खा सकता है लेकिन क्या कहा उन्होंने विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज दे वुड हैव टू ईट उन्हें खाना खाना होगा ठीक ये उन्होंने शर्त रखी। तो जब उन्होंने ये कहा दे वुड हैव टू ईट यानी उन्हें खाना होगा तो अब जब यह दोनों ग्रुप को खाना तो सर्व कर दिया गुरु ने लेकिन कंडीशन क्या रख दी कि बिना अपनी कोहनियों को मोड़े हुए खाना होगा सो तब क्या हुआ अब सुनिए बोथ ग्रुप्स गेट कन्फ्यूज यानी दोनों ग्रुप थोड़ा कन्फ्यूज हो गए बोथ ग्रुप गेट कन्फ्यूज हाउ इज़ दिस पॉसिबल ये कैसे मुमकिन होगा दोनों ग्रुप क्या हो गए कन्फ्यूज हो गए कि ये कैसे पॉसिबल होगा। ओके तो अब क्या होता है they tried a lot to eat यानी उन्होंने बहुत कोशिश की खाने की बट विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज दे कुडेंट they tried a lot
टू ईट, उन्होंने खाने की तो बहुत कोशिश की, बट विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज दे कुडंट, मगर अपनी कोहनियों को बिना मोड़े हुए वो ये कर ही नहीं सके। क्योंकि जब भी मुंह के पास आप अपना हाथ लाएंगे तो कोहनी तो एल्बो तो बेंड होगी, मोड़ेगी, है ना, समझ में आया, शुरू से समझ में आ गई ना बात। वन डे अगुरु डिसाइडेड टू गिव द टेस्ट हिज डिसाइपल्स सो ही कॉल्ड हिज 20 डिसाइपल्स फॉर हैविंग द मील। व्हेन दे केम ही डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स 10 बॉय ईच, ही सर्व देम फूड, बट बिफोर द ईट ही केप्ट अ कंडीशन विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज दे वुड हैव टू ईट, उन्हें खाना खाना होगा। जब उन्होंने ये सुना तो ये क्या हुआ, बोथ ग्रुप गेट कन्फ्यूज, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, दोनों ग्रुप बहुत कन्फ्यूज हुए, कन्फ्यूज मतलब अचंभे में पड़े कि ये कैसे पॉसिबल होगा। दे ट्राइड अलॉट टू ईट, उन्होंने खाना खाने की बहुत कोशिश की, बट विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज दे कुडंट, मगर अपनी कोहनियों को बगैर मोड़े हुए वो कर ना सके। अब आगे सुनिए, कैसा लग रहा है आपको ये सेशन, और इंग्लिश की एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी, और मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे अच्छा सेशन आपको बना के देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल आना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश के अंदर। तो अब आगे सुनिए, और अब आपने देखा कि वो कर नहीं सक रहे थे, ठीक है, दे कुडेंट, यहाँ तक ये एक पैराग्राफ हो गया है। अब सेकेंड पैराग्राफ की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो दे ट्राइड अलॉट टू ईट बट दे कुडेंट। अब इसके बाद सुनिए, फूड गॉट स्कैटर्ड हाइदर एंड थाइदर, यानी कि खाना बिखरा, भाई आप मुंह के पास हाथ लाएंगे कोहनी मुड़ेगी, आपके एल्बोज बेंड होंगे, लेकिन अगर आप कोहनी को नहीं मोड़ेंगे और आप सीधा सीधा हाथ मुंह तक लाने की कोशिश करेंगे तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फूड गॉट स्कैटर्ड, खाना फैला बिखरा, हाइदर एंड थाइदर, इधर और उधर, फूड गॉट स्कैटर्ड माने बिखरना फैलना, हाइदर एंड थाइदर, इधर और उधर। फर्स्ट ग्रुप्स बॉयज़ ट्राइंग, पहले ग्रुप के लड़के कोशिश कर ही रहे थे, फर्स्ट ग्रुप्स बॉयज ट्राइंग मच कह सकते हैं, ट्राइंग अलॉट या ट्राइंग सो मच, फर्स्ट ग्रुप्स बॉयज ट्राइंग सो मच, पहले ग्रुप के लड़के बहुत ही कोशिश कर रहे थे। आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन, क्या, एक छोटी सी चर्चा के बाद, आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन सेकेंड ग्रुप्स बॉयज गॉट एन आइडिया, छोटी सी चर्चा के बाद दूसरे ग्रुप को एक तरकीब मिली, गॉट एन आइडिया। एन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये वॉबल है, ए ई आई ओ यू के जो भी वर्ड होते हैं उनसे पहले एन लगता है, तो इसलिए। तो क्या था, जब वो ये दे कुडंट, जब वो ये कर नहीं पा रहे थे तो क्या हो रहा था, खाना, क्योंकि क्यों कि खाना, फूड गॉट स्कैटर्ड हाइदर एंड थाइदर, यानी खाना इधर उधर बिखर रहा था, फैल रहा था। फर्स्ट ग्रुप्स बॉयज वॉज ट्राइंग सो मच, पहले ग्रुप के लड़के बहुत ही, 10 लड़के वो जो थे, 10 ग्रुप बॉयज़ का था ना एक एक ग्रुप, बहुत ही कोशिश कर रहे थे। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन, यानी कुछ ही सेकेंड में, थोड़ी सी चर्चा के बाद, यानी एक छोटे से डिस्कशन के बाद, आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन सेकेंड ग्रुप्स बॉयज गॉट एन आइडिया, उनको एक आइडिया मिला, उनको एक तरकीब मिली। ठीक है, सुन रहे ना ध्यान से, तो क्या उपाय मिला, व्हाट गॉट एन आइडिया, देखते हैं। हाँ,
क्या तरकीब मिल गई, क्या उपाय मिला भाई। तो ओके सुनिए, दे स्टार्टेड टू फीड वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। दे स्टार्टेड टू फीड वन अनदर, एक उन्होंने शुरू किया खिलाना एक दूसरे को, क्या किया एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। तो फीड माने या दूध पिलाने से ही मतलब नहीं होता है, फीडिंग कराना, दूध पिलाना, फीड माने होता है खिलाना पिलाना, ठीक है। तो दे स्टार्टेड टू फीड वन एंड अदर, एक दूसरे को, 20 लोग हैं, एक 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 दूसरे को खिलाएंगे तो आराम से। और आप ये खुद को आपको एक्सपीरियंस करना है कि अगर आप खुद खाएंगे तो आपकी कोहनियाँ मुड़ेंगी, लेकिन आप दूसरे को खिलाएंगे, सामने खड़ा करेंगे और उसको खिलाएंगे तो आपको एल्बोज बेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना हाथ उसके मुँह तक आराम से ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं ना। करके देखिएगा, आज ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कि मैम हो पाया कि नहीं। तो दे स्टार्टेड टू फीड वन एंड अदर, क्या दे स्टार्टेड टू फीड वन एंड अदर एंड दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, और उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, देयर माने यहाँ पर उन्होंने उनके उद्देश्य को पूरा किया, अपने मकसद को या उनके उद्देश्य को पूरा किया उनके यहाँ पे गुरु के। तो दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क, दे स्टार्टेड टू फीड वन एंड अदर, दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। कैसा लग रहा है आज का सेशन, उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। टास्क काम को भी कहते हैं, उद्देश्य या काम, कोई छोटा सा उद्देश्य है या कोई काम है तो इसको भी कहते हैं। तो अब जब उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया, इस तरह उन्होंने अपने टास्क को कंप्लीट, यानी अपने काम को, अपने कार्य को, अपने उद्देश्य को कंप्लीट कर लिया। तो सुनिए, गुरु बिकेम वेरी हैप्पी टू सी दैट, गुरु बहुत खुश हुए ये सब देखकर, ठीक है, याद रखिएगा क्या, गुरु बिकेम हैप्पी टू सी दैट हैड, एक मिनट सुनिए, गुरु बिकेम हैप्पी टू सी दैट हिज डिसाइपल्स हैड पास्ड देयर टास्क सक्सेसफुली, क्या गुरु बहुत खुश हुए ये सब देखकर, हिज डिसाइपल्स हैड पास्ड, यानी के पास्ट परफेक्ट का टेंस है, उनके जो शिष्य हैं वो पास कर चुके हैं देयर टास्क सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अपना जो उद्देश्य, जो उनको जो काम दिया गया था उसको पास कर चुके हैं। तो ये भी यहाँ पे कह सकते हैं कि हिज डिसाइपल्स हैड पास्ड देयर ओन टेस्ट, या फिर देयर टास्क सक्सेसफुली, कुछ भी कह सकते हैं। तो अपना ये जो टेस्ट था वो पास कर चुके हैं सफलतापूर्वक, या फिर उनको जो काम दिया गया था वो सफलतापूर्वक कर चुके हैं। गुरु बिकेम वेरी हैप्पी टू सी दैट, ये गुरु बहुत खुश हुए ये सब देखकर, हिज डिसाइपल्स हैड पास्ड, कि उनके शिष्य पास हो चुके हैं, पास कर हो चुके हैं, दे फुलफिल देयर टास्क, या दे हैव पास्ड ओन टेस्ट सक्सेसफुली, या दे फुलफिल ओन टास्क सक्सेसफुली, यानी वो अपने टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर चुके हैं, या फिर वो अपने काम को सफलतापूर्वक कर चुके हैं। गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सीख भी है इस कहानी की, थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ के द्वारा, इवन टफेस्ट टास्क ऑफ योर लाइफ, इवन टफेस्ट टास्क ऑफ योर लाइफ, जीवन का मुश्किल से, यहाँ तक के जीवन का मुश्किल से मुश्किल काम, क्या कहते हैं गुरु, थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी समझ के द्वारा, इवन टफेस्ट टास्क ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का मुश्किल से मुश्किल कार्य, कैन सॉल्व ईजीली अमंग द ग्रुप्स, यानी कि आप हल कर सकते हैं आसानी से
एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के बीच में, थ्रू द क्या बोला था पहले, थ्रू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ के द्वारा, यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि इवन टफेस्ट टास्क ऑफ योर लाइफ, आपके मुश्किल से मुश्किल काम, आपके जीवन का मुश्किल से मुश्किल काम, इवन मतलब यहाँ तक कि आपके जीवन का मुश्किल से मुश्किल कार्य इजीली, हाँ, कैन सॉल्व इजीली, आप आसानी से कर सकते हैं एमंग द ग्रुप्स यानी समूहों के बीच में। गुरु हैव, एक मिनट, हाँ, गुरु बिकेम लॉट्स लॉट लिख में एक मिनट गुरु बिकेम हैप्पी अलॉट यानी गुरु बहुत खुश हुए। दे हैव अवेयर फुली अबाउट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, के वो जो उनके शिष्य हैं वो दे हैव अवेयर फुली अवेयर अबाउट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, के उनके जो डिसाइपल्स हैं, जो शिष्य हैं, वो आपसी समझ के बारे में पूरी तरह जागरूक हैं। तो ये देख के वो गुरु बहुत खुश हुए। तो क्या मैंने आपको बताया, गुरु बिकेम वेरी हैप्पी टू सी दैट, गुरु देख गुरु गुरु बिकेम वेरी हैप्पी टू सी दैट हिज डिसाइपल्स हैड पास्ड ओन टेस्ट ओन टास्क सक्सेसफुली। गुरु सेड, गुरु ने कहा, थ्रू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपसी समझ के द्वारा, दे कैन सॉल्व इवन टफेस्ट टास्क ऑफ योर लाइफ, इवन टफेस्ट टास्क ऑफ योर लाइफ यानी कि अपने जीवन, यहाँ तक कि अपने जीवन का मुश्किल से मुश्किल कार्य, दे कैन सॉल्व ईजीली अमंग द ग्रुप, ये आसानी से हल कर सकते हैं समूहों के बीच में। बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे हैव फुली अवेयर, गुरु बिकेम लॉट्स गुरु बिकेम हैप्पी अलॉट, गुरु बिकेम हैप्पी अलॉट यानी जो आपसी समझ के द्वारा जो उन्होंने देखा, क्या देखा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा जो उन्होंने अपने टास्क को पूरा किया, इस सब को जानकर वो इतने अवेयर हो चुके हैं, उनके जो शिष्य ये सब जानकर ये सब देखकर गुरु बहुत खुश हुए। तो इवन मतलब यहाँ तक, वहाँ पे याद रखिए, इवन याद ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि इवन लोग भूल जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है, तो कई सेंस में यूज़ होता है इवन का। तो ये बात है, देखिए अमंग की बात बताती हूँ मैं यहाँ पर, अमंग द ग्रुप जो मैंने कहा है उसमें क्या होता है, जैसे बिटवीन, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में, मेरे और मेरे कोई फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड है मेरी, मेरे कोई फैमिली मेम्बर है या कोई भी है या मेरे कोई स्टूडेंट है, हम दो लोगों के बीच की बात होगी तो हम कहेंगे बिटवीन, लेकिन जब ग्रुप्स के बीच की बात होती है तो अमंग द ग्रुप्स। तो क्या कहा था उन्होंने, थ्रू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टफेस्ट टास्क, इवन टफेस्ट टास्क ऑफ योर लाइफ कैन सॉल्व ईजीली अमंग द ग्रुप। तो उन्होंने यही कहा था कि एक समूह में अगर आपसी समझ है तो यहाँ तक कि आपके जीवन का मुश्किल से मुश्किल काम आप आसानी से हल कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यही थी जी दोस्तों आज की कहानी, उम्मीद करती हूँ आपको कुछ हद तक पसंद आई होगी, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप करने की छोटी सी कोशिश थी। इसी तरह मैंने आपको आर्टिकल्स, ग्रामर्स वगैरह तो बहुत पढ़ाया है, लेकिन ये छोटी सी कोशिश थी, और इस स्टोरीज सेक्शन लेके ही मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत डेवलप करवाऊँगी। ठीक है, तो लाइक शेयर कॉमेंट करें, अच्छे कमेंट्स के साथ साथ किसी वीडियो को मिस मत करें, ध्यान से सुने पढ़ें, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अब करंट अफेयर का वीडियो कोशिश करेंगे रात में करें, नहीं तो कल और आज का करंट अफेयर साथ में करेंगे। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।